उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बार फिर फर्जी दरोगा की ऐसी कहानी सामने आई है जो आपके होश उड़ा देगी। मामला रामपुर के शहबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक फर्जी दरोगा बनकर एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। वहीं पीड़िता के परिजनों से मिलकर शादी की बात की और परिजनों से झूठ बोलकर लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। आइए देखते हैं फर्जी ठग दरोगा की गुनाहों की दास्तान। मामला रामपुर के शहबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक निवासी युवती मुरादाबाद के एक अस्पताल में नौकरी करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो खुद को गर्ल्स हित थाने में दरोगा बताता था। पीड़ित की परिजनों की माने तो युवक ने बेटी को खुद के दरोगा होने के बताते हुए शादी का दबाव भी बनाया। परिजनों से बात करने के बाद युवक युवती के गांव के घर में आना जाना हो गया। इसी बीच युवक ने युवती के पिता से घर बनाने के नाम पर, प्रमोशन कराने के नाम पर, तो कभी खुद को सस्पेंड बता कर बहाली कराने के नाम पर कई बार पैसे भी ऐंठ लिए। युवती की मां की माने तो आरोपी फर्जी दरोगा ने गांव के कई लड़कों से पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर भी लाखों रुपए ठगे हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने शहबाद थाना क्षेत्र में खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता रहा था, जिसके आधार पर एक ग्रामीण ने अपनी बेटी का उसके साथ रिश्ता तय किया। काफी निकटता हो गई। इसी बीच व्यक्ति ने खुद की तैनाती पास के जिले में बताई थी, जिस दौरान वह काफी समय तक युवती के घर से ही आना जाना करता था। युवक के पास से नकली वॉकी टॉकी पुलिस की वर्दी भी थी। इसी बीच युवक ने गांव के कई लोगों को नौकरी दिलाने का कहकर उनके साथ ठगी की। इस संबंध में आरोपी समेत चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जी सर, मेरी लड़की सत्य से GNM का कोर्स कर रही थी, लड़कियां साली थी। इसका कोई मकान है मुरादाबाद में, उसके सामने लड़कियों का मकान था और ये देख कर लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहा। कई महीने हो गए, उसके बाद सारी लड़कियों से कहना लगा कि तू शादी कर ले, कर तू शादी कर ले। उसके बाद साहब इसने मेरी लड़की को धमकोनी दी और कई लोग दिखाए साथ के और कि मैं नहीं तुझे मार दूंगा, मैं दरोगा हूँ और सब कुछ है मुझ पर, तू शादी कर ले, कोई परेशानी नहीं है। तो एक लड़की ने फिर बहुत कोशिश की कि मेरा भैया बड़ा है, मैं शादी नहीं करूँगी, हद से बहुत ज़्यादा मने करी, मेरे माँ बाप नहीं करेंगे, बहुत ही मने करी। फिर उसके बाद इसने एक रहमत नाम का लड़का लगा दिया, वो अपने पता ना उसे निस्पित दी है क्या की। तो हम राशन लेके पहुँचे अपनी लड़की के लिए रूम पे, तो वो लड़का आके बोला अंकल अंकल लता की शादी करोगे, एक लड़का है दरोगा उससे। वो कह रहा है मुझे सिर्फ एक लड़की सज्जन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके पापा बोले कि ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है, लड़कियों की तो शादी करनी होती है, चलो हमें दिखा देना, अगर हमारा वास्ता बनेगा तो हम कर देंगे। उसके बाद ये बुलाया, हमारे पसंद नहीं आया, लड़की ने मना कर दी, मेरे पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। इसने नंबर ले लिया उनके, उनका लता के पापा का नंबर ले कर वो गाँव का नाम बूझ के और जो गांव में घूम के वीडियो बना के ले गया। वीडियो बना के फिर लड़की ड्यूटी पे आई सरकारी अस्पताल में, सारी लड़कियों के साथ ड्यूटी कर रही, तो ये लड़की तू वीडियो देखना ये कहाँ की है, तो ये तो मेरे गांव की है, और फिर नहीं तो मैं तेरे गांव जाकर तेरे भैया को सब में पता लगा कर मार दूंगा, तेरी शादी करने में ठीक है। उसके बाद हमने इसके वो देखे, मैंने हमें ड्यूटी वगैरह बताओ कि मैं गर्ल सैयद में कर रहा हूँ, और हमने पता पूछा, इसने बताया कि मेरे पापा हैं, मेरी बहन बैंक में है, बहन भी बैंक में नहीं, हमने कहीं अपने घर पहुँचाओ हमें, हम तुम्हारा टीका करके आऊँगे, पते निकाल कर लाऊंगे। तो बोला नहीं, मेरी SP का नंबर आ गया 8 दिन के बाद और क्या मुझे पैसे चाहिए, मेरा पैसा इकट्ठा हो रहा है साहब। फिर एक दर्जन डेढ़ इतना मुझे साहब काफ़ी टाइम हो गया, नहीं पता 1.5 लाख जन दो मैंने पैसे करे, मैंने अपनी ईमानदारी में से उगाए, खेत की मिट्टी के मिट्टी कटवाने के लिए लगे, इस तक इसको पैसे दिए। उसके कितने पैसे दे चुके आप इसे? इसे 10 लाख रुपए दे चुके, हाँ, रोड की जमीन इसने बिकवाई, हाँ। और फिर उसके बाद हमने कही कि हम
हमें अपने घर वालों से मिलवाओ, हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। फिर इसने हमने जबरिया जोर डाला तो इसने अपना बाप बुलवाया और होटल में बुला के इधर उधर की बातें करके बोला मेरे घर जगह बैठने नहीं है। इसका बाप, मैंने पढ़ाई में लड़के की पैसा लगाया है, पैसा लगता है, दो आदमी आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, सावली पल्ली। उसने कहाँ का रहने वाला है? ये मंसूरपुर का। मंसूरपुर कहाँ? रामपुर, चौधरपुर के पास में है मंसूरपुर। मुरादाबाद में लगता है? है? कहाँ लगता है? मुरादाबाद में लगता है। थाना लगता है इसका, हसमोली। अभी आपका मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ, मेडिकल मांगा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितना हमारा इसने जायदाद हमारे लड़कों की बिगड़वा दी और वो सब इतना लड़कों के पैसे लिए गाँव में से 200 लाख रुपए इसने उगाने चालू कर दिए, सब बरामद होना चाहिए और इसे नसीहत लगनी चाहिए जो कभी भी मुंह ना करे किसी के लगभग। तो ये सही में किसी थाने में दरोगा है या झूठा बता रहा? ये झूठा है, खाली नहीं, झूठी वर्दी निकली है और झूठे सोल्जर कोल्जर सब निकली है इसके पास और साथ के भी बरामद हो गए। ये नंबर दो का काम कर गया, लड़कों से पैसा उघा रहा और मेरी लड़की की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। जी सर, क्या मामला है? आज रामपुर पुलिस द्वारा दो आपराधिक मामलों में सफलता मिली है। पहला मामला तो ठगी का है। एक व्यक्ति जो संभल कर रहने वाला है थाना साहबाद क्षेत्र में, उसने लोगों को अपना व्यवसाय बताया कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और इस बिना पर एक व्यक्ति साहबाद क्षेत्र का उसे प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने अपने को अविवाहित बताया और उस व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता भी उससे पक्का कर दिया। रिश्ता हो जाने के बाद उसने कई किस्तों में उससे पैसे ठगे, कभी घरेलू आवश्यकताओं के नाम पर, कभी ये बताते हुए कि मेरा विभाग में कुछ प्रमोशन होने वाला है वहाँ कुछ पैसे खर्च होंगे। उस सीधे साधे ग्रामीण ने इस तरह से उसे पैसे दिए, कई लाख रुपए दे दिए। अब आसपास के लोगों का भी विश्वास जम गया। इसने अपने को मुरादाबाद जनपद के एक थाने में पोस्टेड बता करके 4-5 महीने उसके घर से जाके नौकरी किया। उसके पास वर्दी भी थी, एक फर्जी वाकी टाकी भी उसके पास था। ग्रामीणों को ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति पुलिस में है और नौकरी लगवाने में सक्षम, तो इसने इस आधार पर भी लोगों से पैसे लिए। इसके रैकेट में 2-3 लोग और शामिल हुए और इस तरह से पता चला इलाके से इसने 300 लाख रुपए ठगे लोगों को भर्ती कराने के नाम पर। 3-4 बच्चों का इसने मेडिकल भी कराया और उनको एक इंस्ट्रक्टर, फर्जी इंस्ट्रक्टर लगा करके 24 बटालियन के परेड ग्राउंड जब खाली रहता था, जिस समय लोग जाके वहाँ दौड़ धूप का अपना अभ्यास करते हैं, उस दौरान उसने उनको वहाँ दौड़ा करके ये भी बताया कि आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो इस तरह से लोगों को, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको गुमराह करके इसने पैसे ठगे। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था उसके घर जब ये 4-5 महीने रहा, इस दौरान उन्होंने इस लड़की से नाजायज ताल्लुकात भी बनाए। तो इस आधार पर इस पूरे गैंग के खिलाफ 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा तो जो लीडर इसका है दिनेश, जो फर्जी उप निरीक्षक बना था, उसके खिलाफ है, जो उसने शादी का झांसा देकर पैसे भी लिए और लड़की जिसके साथ शादी तय थी उसके साथ दुष्कर्म भी किया। शेष 2 मुकदमे पूरे गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ, जो एक रैकेट बना करके इन्होंने सबसे पैसे ठगे। श्री बरामद की सर क्या क्या हुई है? अब इनसे चूंकि बरामद होने में हैंड हेल्ड जो हमारा वायरलेस सेट होता है, मोहर है, पैड है, पासपोर्ट है, दरोगा की वर्दी है, इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं और रुपए जो इसके पास मिले हैं वो 6700 रुपये मात्र में। ये अभी गिरफ्तारी है ना? ये 4 गिरफ्तारियाँ इसमें, 4 लोग हैं इसमें। 4